हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूं दरक्षा। आज मैं एक फेस सीरम का रिव्यू शेयर करूंगी और ये फेस सीरम है रिच फील का। रिच फील का मैं ज़्यादा प्रोडक्ट तो यूज की नहीं हूँ, मैं इसका बहुत टाइम हो गया यूज किए हुए। एक फेशियल किट यूज की थी, हल्दी चंदन फेशियल किट, बहुत ही अच्छा लगा था, उसका रिजल्ट भी अच्छा लगा था। मैं उसका रिव्यू भी शेयर की हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। इसको मैं हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ। इसका स्किन लॉजिक वाइटनिंग फॉर फेयर एंड फ्लॉलेस स्किन एडवांस नाइट रिपेयर सीरम विथ राइस प्रोटीन। नेट वॉल्यूम है 25 ml। इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये ए प्रोडक्ट ऑफ रिच फील द ब्यूटी एक्सपर्ट। ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिटेल इसका इधर भी सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका कुछ डिटेल में मेंशन किया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका नवंबर 2020 का है, एक्सपायर करेगा अक्टूबर 2023 में। इसका MRP है 269 रुपये का है। नेट वॉल्यूम है 25 ml। इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिला है ये यहाँ पे इसका पूरा डिटेल मेंशन किया। यूज करने का डायरेक्शन दिया है यहाँ पे, यूज कैसे करना है आपको, इसको अप्लाई करना है। फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, कोई भी फेस वाश यूज कर सकते हैं। फेस वाश करने के बाद आप इसको टोनर अप्लाई कीजिएगा। टोनर अप्लाई करने के बाद इसको नाइट में अप्लाई करना है, ये नाइट सीरम है ये। तो इसको फिंगर टिप से लेकर आप फेस पे मसाज करेंगे, मसाज करके रहने देना है फेस एंड नेक में मसाज करने। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज इन डे टाइम में आप बैलेंसिंग डे क्रीम यूज कर सकते हैं। इसी का यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप इसी का यूज करेंगे, आप जो भी यूज करते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। द एडवांस नाइट रिपेयर सीरम एज ए स्किन वाइटनिंग फार्मूला। नाइट सीरम है ये, नाइट में इसको यूज करना है। रिन्यूअल ए फेयर एंड यंगर लुकिंग स्किन, ब्यूटीफुल स्किन एवरी डे यूज करना है ये। आपको यंगर लुक देगा, ग्लोइंग स्किन देगा, फेयर करेगा, ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट मेंशन है, आलमंड ऑयल है इसमें, प्यूरिफाइंड वाटर है, राइस प्रोटीन है। आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको पैच टेस्ट करना है, यहाँ पे इसमें मेंशन है। आपको आइस में इसको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है, आइस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ये प्रोडक्ट। इसको आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ कि इसमें मुझे कहीं पे भी पैराबीन सिलिकॉन ये सब नहीं दिख रहा है, इसमें है कि नहीं है पता नहीं, अगर है तो भी इसमें मेंशन करना चाहिए था, नहीं है तो भी करना चाहिए था, बट इसमें तो कुछ मेंशन किया नहीं गया है। अब बात करते हैं इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग ऐसा ही पैकिंग था, कुछ और पैकिंग नहीं था, सिंपल सा पैकिंग है इसका, इस टाइप का देख सकते हैं। ये एक बॉटल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये इस टाइप का पैकिंग है, ब्राउन कलर का ये कांच का बॉटल है। इस पर भी पूरा फुल डिटेल में मेंशन है। ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, ये देख सकते हैं पूरा फिनिश हो गया, थोड़ा सा इसमें बच रहा है। ये इसके ऊपर एक कवर लगा था, मैं उसको निकाल दिए, ड्रॉपर अलग से था, ड्रॉपर इसमें डाल दिए, ड्रॉपर इसके साथ ही मिला था। ये चीज़ अच्छा है कि ड्रॉपर के साथ ये आते हैं। और ये प्रोडक्ट पूरा फिनिश हो चुका है मेरा, थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट बच रहा है। रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आपको, बहुत ज़्यादा तो 15 डे ही यूज होगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट। अब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइज है इसका, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइज है, इतना कम प्राइज है इसका, उस पे से भी आपको ऑफ मिल जाता है ये। मैं इसको परचेज की थी purple.com से, वहाँ पे मुझे 50% ऑफ इस पर मिला था। इस टाइप का ये सीरम है, कुछ इस टाइप का है, वाइट वाइट सा निकलता है इसके में से। देखिए सीरम का टेक्सचर कुछ इस टाइप का ये दिखता है, इसका कलर बिल्कुल वाइट कलर है, इसमें कुछ अलग से कलर ऐड नहीं किया गया। प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है ये, इस टाइप से आप इसको ब्लेंड करेंगे स्किन पे। बात करूँ इसकी फ्रेगरेंस की, तो फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसका फ्रेगरेंस। इस टाइप का ये है, एक चीज़ देख सकते हैं आप ये किस टाइप से हो रहा है, ये वाइट कुछ इस टाइप से ये ब्लेंड होता है। इसी तरीके में थोड़ा
टाइम लग जाता है। मुझे ये चीज़ इसका बिल्कुल पसंद नहीं आया, जल्दी ब्लेंड होता ही नहीं है स्किन में, देख सकते हैं इसी तरीके से वाइट वाइट सा होते रहेगा। अब देख सकते हैं ये पूरा मिक्स हो चुका है हैंड में, तो मिक्स हो गया। फेस में थोड़ा और भी टाइम लग जाता है मिक्स करने में, जल्दी मिक्स नहीं होता है। अब ये इस तरीके से मिक्स हो गया है, बिल्कुल ऑयली ऑयली सा स्किन पे नहीं करता है। ये चीज़ तो इसमें अच्छा लगा मुझे कि स्किन को ऑयली ऑयली सा फील नहीं कराता है ये, आपको ड्राई भी फील नहीं होगा। अगर ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई फील नहीं होता है ये चीज़ तो इसका अच्छा लगा। बात कर बहुत ही लाइट सा, आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा लाइट सा मुझे इस पर लग रहा है, बहुत ही लाइट सा वाइटनेस दिखता है, फेयरनेस टाइप दिखता है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। देख सकते हैं दोनों हैंड में फ़र्क। अब बात करती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, मेरे स्किन पे क्या रिजल्ट मिला, इससे मुझे कितना ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव ये प्रोडक्ट लगा है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये इस प्रोडक्ट का कुछ भी फ़ायदा नहीं लगा। मैं इसको यूज कर गई, पूरा बॉटल भी फिनिश हो गया। जैसा कि इसमें क्लेम करते हैं वाइटनिंग ब्राइटनिंग स्किन देगा आपको, ये आपको लुकिंग स्किन देगा, यंगर लुक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे मैं इसको यूज करते हुए टाइम भी हो गया, पूरा फिनिश भी हो गया, इसमें मुझे कुछ भी न्यू फील नहीं हुआ इसको यूज करने के बाद। वाइटनिंग की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं दिखा मेरी स्किन पे, जैसा है वैसे ही रह गया। इस सीरम का कोई इफ़ेक्ट मुझे अपनी स्किन पे नहीं लगा। मैं कहना चाहूँगी कि ये आपको फ़ायदा नहीं दे रहा तो नुकसान भी नहीं देता, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ मेरे स्किन पे, कोई एलर्जी नहीं हुआ किसी भी तरीके। फ्रेंड्स ये मुझे ओके प्रोडक्ट लगा है, ठीक है, इतना कम प्राइस में ठीक प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज की, मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, तो मुझे कुछ इसमें नया देखने भी नहीं मिला इस प्रोडक्ट में। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको रिपर्चेज नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे लिए कुछ खास नहीं लगा है ये, ठीक लगा ये, ठीक ठाक प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इतना कम प्राइस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो है नहीं ये, इस पर भी कम मिल जाता है आपको, ऑफ़र इस पर रहता है। मैं ली थी purple.com से, वहाँ पे मुझे 50% ऑफ में मिला था, बहुत ही अच्छा इस पर डिस्काउंट आते रहता है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा, मुझे ओके ये प्रोडक्ट लगा है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप लोग इसको यूज किए तो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट में शेयर कीजिएगा, और कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।